हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ इंडो चाइनीज़ रेसिपीज़, क्योंकि बच्चों को चाइनीज़ खाना बहुत ही पसंद है, बट हम उन्हें रोज़ रोज़ मार्केट से लेकर तो नहीं दे सकते, इसलिए हम आज उनके लंच बॉक्स के लिए बनाएंगे कुछ इंडो चाइनीज़ बट हेल्दी रेसिपीज़। सो गाइस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सबसे पहले मैं बनाऊँगी चिली इडलीज। ये मेरे पास रात की बची हुई सूजी की इडली हैं। इसके लिए मैंने लिया है ये टमाटो प्यूरी है। आप चाहें तो टमाटो उसको घर पे भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट प्यूरी का फ्लेवर अच्छा आता है। एक बड़ा प्याज लिया है और एक बड़ी कैप्सिकम ली है। अब मैं यहाँ पर कुछ सॉसेस को मिक्स कर रही हूँ। एक टीस्पून सोया सॉस है, एक टीस्पून टमाटो सॉस और एक टीस्पून मैंने रेड चिली सॉस लिया है। इन सबको मिक्स करके मैं इसमें हाफ कप पानी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इडली को मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं इन्हें सॉटे करूँगी। सबसे पहले मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई में ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें गार्लिक के ग्रैनुल्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें अनियन और कैप्सिकम को ऐड कर दूंगी और इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक ही पकाऊंगी। बहुत ज़्यादा हमें इन्हें गलाना नहीं है, इनकी क्रंचीनेस को हमें बरकरार रखना है। और अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड किया है। 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच टमाटो प्यूरी ऐड किया है। ये बहुत ही क्विकली बन जाने वाली लंच रेसिपीज़ हैं फ्रेंड्स। बच्चों को तो ये अच्छी लगेंगी ही और उन्हें हेल्दी खिलाने का हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। इसे मैं बस 30 सेकंड्स तक ही पकाऊंगी और उसके बाद मैंने जो सॉसेस का मिक्सचर बनाया था उसे इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने पानी इसलिए ऐड किया है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम इसमें इडलीज डालेंगे तो इडलीज ये सारा पानी सोक कर लेंगी और साथ ही में सारे सॉसेस के फ्लेवर्स भी इडली के अंदर तक चले जाएंगे, तो उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और इडलीज भी बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं, जो कि बच्चों को खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये देखिए, इडलीज ने बहुत ही जल्दी काफ़ी पानी सोक कर लिया है। इसे मैं सिर्फ 2 मिनट तक और पकाऊंगी और ये सर्व करने के लिए रेडी हो जाएंगी। और अब ये मेरी चिली इडलीज रेडी हैं। ये फिलिंग होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं। और अब मैं बनाऊंगी चिली राइस। फ्राइड राइस तो हम सभी अपने घर में बनाते हैं, वो भी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट उसी में हम थोड़े और फ्लेवर्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा प्याज लिया है, इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 1 मैंने कैरेट ली है। आप चाहें जो मर्जी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके बच्चों को अच्छी लगे। और ये मैंने कुछ बीन्स लिए हैं, इन्हें मैं बस 1 मिनट तक सॉटे करूँगी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें कैप्सिकम डाल रही हूँ। कैप्सिकम मैंने बाद में इसलिए ऐड किया है ताकि ये थोड़ी सी क्रंची बनी रहे। और अब मैंने इसमें 2 चम्मच टमाटो प्यूरी ऐड किया है। इसके बाद मैं इसे बस 1 से 2 मिनट ही पकाऊंगी। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस है, और 1 टीस्पून रेड चिली सॉस। अगर आपके बच्चे तीखा खाते हैं तो आप 1 चम्मच शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बस इसे मैं 30 सेकंड्स तक और कुक करूंगी और इसके बाद इसमें राइस ऐड कर दूंगी। इन्हें मैं हल्के हाथों से मिक्स करूंगी
और हमारे चिली राइस बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं। मिक्स करने के बाद लास्ट में मैं इसमें सिर्फ 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं बनाऊंगी चिली सोया। यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें 1 कप सोया नगेट्स डाले हैं। इसमें मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसे एक बॉईल आने के बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। मैंने यहाँ पर मिनी सोया चंक्स लिए हैं क्योंकि बच्चों को खाने में बहुत ही ईजी रहते हैं। और अब मैं नॉनस्टिक कढ़ाई में ऑयल ले रही हूँ। इसमें मैंने 1 अनियन डाला है और 1 गाजर है। अब मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे मैं 1 से 2 मिनट तक सॉटे करूँगी। और अब मैं इसमें 1 कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। आप इसमें स्वीट कॉर्न मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, उनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। इन्हें मैं 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून टमाटो केचप, 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड करूँगी, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस। अगर बच्चे तीखा खाते हैं तो आप इसमें शेजवान सॉस भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे 30 सेकेंड्स और पकाऊंगी और उसके बाद इसमें सोया नगेट्स ऐड कर दूंगी। इनका एक्स्ट्रा वाटर मैंने स्क्वीज आउट कर दिया है। और इसके बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाना है ताकि सोया में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ड्राई आउट हो जाए। ये बहुत ही प्रोटीन रिच सब्जी है और बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी है, उन्हें काफ़ी पसंद भी आएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप ये भी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप इसी तरह की और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो गाइस, मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।